असलामुअलैकुम दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करने अल्लाह रखा फजल नाल। तो आज जा रहे हैं मच्छियां फड़न वास्ते, कुंडियां ललियां ने। मेरे नाल जा रहे हैं अब्दुल ते फातिमा। अब्दुल वीडियो बना रहे हैं, तो एक होर दोस्त है वो अगे आ, उन्होंने नाल लवेंगे। वो बेलजियम तो आया है, क्योंकि पेपर वो इटली ने काम बेलजियम करता। वो भी कुछ गल्ला पुछांगे, तुहाडे नाल शेयर करांगे। तो आओ फिर चलने। हथों लवेंगे दोस्त नू घर आ चाह जी। जी जी शादी आ गए। वालेकुम सलाम। हाँ जी शाह जी, ये दोस्त है हमारा, हमारे साथ जाएगा आज मछली पकड़ने के लिए। तो चलते हैं दोस्तों। दोस्तों ये कीवी का बाग लगा हुआ है। कीवी केवी कीवी। मौसम आज बड़ा प्यारा, अच्छी धूप लगी हुई है और टाइम तकरीबन दोपहर का 12:30 का हो चुका है। दोस्तों यह मार्केट च आ गए, इतों लेना है थोड़ा समान, मछलियाँ जो कुंडियाँ वगैरह। यह सारा मछियों की खुराक है, हर किस्म की लगी हुई, हर किस्म दिया वेचते हैं। कुंडियां लगी दी, हर हर किस्म का समान है सारा इतने ना, है शॉप के उत्ते। डोरा डोरा वगैरह हर किस्म दिया, अच्छी क्वालिटी दी है। नवीं कुंडियां अगर तुम लैनिया ने, यह सारा मच्छियां फड़न का समान है, जिन्ना भी फिशिंग का देख सकते हो। यह वर्दियां ने फिशिंग वाली, पानी पुनी जाने वास्ते पा के, जो भी जिन्ना भी समान है सारा। तोड़िया लगे रहा साइड से, इतने इधर अही हूँ इतने एक दो शैल लैनी है। दोस्तों लिया ने एक कुंडियां लिया ने, तो एक कुंडी नूं लगता अगे स्प्रिंग जे, यह दो छावा लैनिया लिया ने। शाह जी ये खड़े हैं, ये मोबाइल चला रहे हैं। इधर इतना पैसे पे करांगे। बाहर पे भी कर दिता। दोस्तों है साढ़े अस जिथे अं रहने एरिए सब तो व्डा जोड़ा ना मॉल है, मार्केट हर किस्म दियाँ इत मिल जा सारा। और ये चार्च फिर तकरीबन सारिया मार्केटा ने छोटिया व्डिया, यह मार्केट है। तो हर किस्म का खेलों का समान, फिशिंग का, शिकार वाला कोई भी तुम लैना लै सकते हो। एक है नाल वो परे मकडोनर है खाण खून ली। तो दो शाम इतने तीन परेड, एक है कुंडिया ने, एक है नाल स्प्रिंग जन। फातिमा ते अब्दुल गड्डी बैठे थे ने, साड़ी गड्डी खड़ी है, ए दो इन्हें पिछे बैठे थे ने। हाँ भाई धूप तो नहीं लग रही, नहीं नहीं चलते हैं अभी। ये पकड़ो, मैकडोनल्ड खाने मैंने। अच्छा चलो मैकडोनल्ड भी लेते हैं। दोस्तों पिज्ज़ा लिया था, पिज्ज़ा खा रहे हैं और फातिमा अब्दुल दिन पीछे ये पिज्जा खा रहे हैं। मैंने खा लिया गाइस। आपने खा लिया? हाँ जी, मैं से खाया नहीं था, बहुत बड़े गाइस ये ली है। ये देखो दोस्तों पहुंच चुके हैं एथों, मछली अपना शाही बहाओ आया है। भैया शाही देखो, देखो कितनी बड़ी है। ये देखें तो, इधर से पकड़ेंगे मछली।
तो सबसे पहले मछली के लिए जो है ना वीट तैयार करेंगे। ये लेके आए चारा, ये डालेंगे। अब हम उर्दू पंजाबी विच मिक्स कर, मैं उर्दू भी बोल रहा पंजाबी विच, सब कुछ है रला मिला काम है साडा। अच्छा पानी लिया गया, फड़ के पानी नहीं, पीछे रहना, पीछे पीछे ऐसे शोर करोगे फिर मछली नहीं पकड़ सकेंगे हम लोग, चली जाएगी। पीछे हो जाना मान, इधर इधर इस तरफ आओ। दोस्तों तैयार हो गई है इंज दी जी, गोलियां बना के एक मिनट इधर पीछे आना, पीछे 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 नहीं बेटा हाथ गंदे हो जाएंगे। इसकी स्मेल आती है बहुत ज्यादा, आपके हाथ से स्मेल आएगी। थोड़ा इस आगे पीछे भी फेंक दो, भी कुंडी लगा दी है, अभी देखते हैं कोई मछली आती है कि नहीं। पापा मेरी भैया बैठ जा बेटा, ये लगा, ये देखो डर लगता है, ये जो कलर वाला नजर आ रहा है ना कानी, ये दोस्तों पहला जगह जिथे लाई हैं कुंडियां उत्थे कोई मच्छी नहीं आई, हुण असीं इस नाले ते आ गए हैं। मैं इत्थे बैठे दा अब्दुल फातिमा ते शाह होर उह लगे ने, तकरीबन दो घंटे हो गए सानू अजे तक एक मछली नहीं आई, तो बैठे उन्नी देर से चलो शाह को कुछ पूछने। बेलजियम के बारे भी तुहानू मालूमात देईए, बेलजियम भी एक अच्छी कंट्री है, अक्सर दोस्त पेपर लैके इटली के तो बेलजियम भी चले जाते हैं कम शम करते हैं, क्योंकि बेलजियम जिहड़ा ना एक अच्छी सैलरी मिल जाती है। तो शाह को पूछने, हाँ जी शाह जी जरा दसो हाँ थोड़ा बेल्जियम के बारे च। बेल्जियम के बारे में आसिफ भाई अपने लोगों के लिए अच्छा है, हमारे लोग के लिए लेकिन अच्छा। अगर पेपर हो तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ब्लैक में अभी काम करना वहाँ पे बहुत ज़्यादा सख्ती है। अच्छा, अगर वहाँ के पेपर हो या वहाँ पे चेंज होने वाले पेपर हो तो फिर तो बहुत अच्छा है, सैलरी बन जाती है। अगर नॉर्मल काम भी बंदा करे तो 1800-1900 सैलरी बन जाती है। अच्छा, 50-60 यूरो के हिसाब से, दिहाड़ी के हिसाब से। शायद ज़्यादा काम केड़ा बेल्जियम में? बेल्जियम में ऐसी भी ज़्यादा कार वाश की काम है, कार वाश का नाइट शॉप, डे शॉप। नाइट शॉप ऐसी है जो वहाँ पे शाम को 6 बजे खुलती है। अच्छा, सुबह 6 बजे बंद होती है, सारी रात खुली रहती है। अच्छा, तो उसमें भी काम होता है, नाइट शॉप में हर चीज़ मिलती है। मतलब ये नहीं कि रात को आपको कोई ब्रेड चाहिए या कोई कुकिंग ऑयल चाहिए, कोई खाने पीने की चीज़, चॉकलेट, सिगरेट, बियर, हर चीज़ उस दुकान पर अवेलेबल होती है शाम को 6 से सुबह 6 बजे तक। इसको नाइट शॉप बोलते हैं वहाँ पे बेल्जियम में। अच्छा सर जी, एग्रीकल्चर का काम भी होता है? एग्रीकल्चर का काम बहुत कम है। अच्छा, वहाँ सिर्फ वहाँ पे आलू है, स्ट्रॉबेरी है और टमाटर हैं, और कोई इतना ज़्यादा नहीं है कोई ये काम। अच्छा, क्योंकि बेल्जियम बहुत छोटा सा मुल्क है, इस तरफ से जाओ तो 1 घंटे में ख़त्म हो जाता है, इस दूसरी तरफ बॉर्डर पर जाओ तो ख़त्म हो जाता है। मतलब टोटल 2 घंटे 1.5 घंटे में बेल्जियम ख़त्म हो जाता है। एक तरफ हॉलैंड का बॉर्डर लग जाता है, एक तरफ फ्रांस का। अच्छा, बहुत छोटा कंट्री है। सही है। तो शाह जी तुम जरा काम की दादा? मेरा कार वाश है वहाँ पे, मशीन और हैंड दोनों। अच्छा, तो कोई आदमी रखे हैं आपने? आदमी हैं वहाँ पे, अभी काम पे रखे हुए आदमी रखे हुए, फिलहाल 2 बंदे काम कर रहे हैं, क्योंकि बारिशें हैं अभी बहुत ज़्यादा, बारिशों में काम नहीं होता कार वाश का इतना ज़्यादा। अच्छा, पाकिस्तान में तो बारिशों में ज़्यादा होता है। उधर गाड़ियाँ गंदी हो जाती हैं, यहाँ बारिशों में साफ़ हो जाती हैं। हाँ ये बात है, वहाँ बारिश में पानी में बारिशों में जो है ना गाड़ी गंदी होती है, यहाँ पे गाड़ी साफ़ हो जाती है। बर्फ़ में काम अच्छा चलता है कार वाश का, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से रोडों पे नमक फेंकते हैं। अच्छा, बर्फ़ पिघलाने के लिए। हाँ, तो वो नमक जो है गाड़ी की बॉडी खाता है। हाँ, तो इस वजह से बर्फ़ के बाद काम बहुत ज़्यादा स्टार्ट होता है कार वाशों का। सही सही।
तो शायद तुम्हारे पेपर ये चेक क्यों नहीं होया ये तक मेरे पास आसिफ भाई उधर की अभी सिर्फ काम करने की इजाजत है, काम कारोबार की, लेकिन पक्का कार्ड नहीं है, सिर्फ पेपर है। इजाजत है, आप काम कर सकते हैं। हर चीज की इजाजत। तो ये जो इटली से जाते हैं इनका क्या चक्कर है, कैसे काम करते हैं? ब्लैक में छुप के, कोई चेंज नहीं होता। अच्छा, चेंज नहीं हो सकता। तो ये जो 00 की सजोर्न है, 00 भी बहुत मुश्किल से होती है। किसी के साथ आप पार्टनर बनो कारोबार में, उसमें भी चांस होते हैं कि गवर्नमेंट क्या जवाब देगी आपको पेपर जमा करवाने के बाद। मैं 2009 में, 2009 तुम कड़े रास्ते आए हो? मैं बायर आया था सर। नहीं टंकी ला के नहीं आया? नहीं, मैं बायर आया था 90 दिन के बिजनेस वीजे पे। हाँ सही है, सही है। नहीं मैं समझना तो भी टंकी ला के आए थे। नहीं टंकी मेरे को घर वाले किधर ला। अच्छा अच्छा जी, शाह जी बिजनेस वीजे पे आए हैं। सही है। शाही कड़े मुल्क का वीजा है? मेरा इशू बाय इटालिया था। अच्छा, इशू बाय इटालिया था। पहले इटालिया उतरा हूँ, विनीजिया, एक दो दिन होटल में रहूँ, वहाँ से फिर स्पेन चला गया। स्पेन में फिंगर नहीं होते, पादरो मित्रो करवाई। अच्छा, पादरो मित्रो करवाने के बाद फिर इटालिया आ गया, यहाँ पे फिर केस करवाया। सही। तो यहाँ पे 6-7 महीने के अंदर, 1 साल के अंदर मेरा केस पास हो गया था, क्योंकि 2009 में सवात में ऑपरेशन चल रहा था आर्मी का। अच्छा, तो उस बिहाफ में मेरे को मिल गए थे पेपर, सवात का केस दिया था मैंने। सही हो गया, चलो तुम पेपर मिल गए ना। तो अभी बस वही रिन्यू करवाने आए हूँ, पाकिस्तान जाना है, क्योंकि बेल्जियम वाले हैं लेकिन वो पेपर है सिर्फ एक, उस पे जाना रिस्क है। अच्छा, तो ये इसीलिए रिन्यू कराने आए हूँ कि इस कार्ड बन जाए तो फिर पाकिस्तान जाऊँ। अभी कितने साल का मिलेगा? 5 साल के इंशाल्लाह। पहले कितने का मिला? 5 के मिला। शुरू में 3 का मिला था, उसके बाद 5 का, अभी फिर इंशाल्लाह 5 का ही मिलेगा। चलो अल्लाह करेगा। नहीं नहीं मिलेगा शाह जी, क्यों नहीं मिलना? सोचे शाह जी काफी टाइम तो बाद आए। शाह जी कार्ड वाला किन्नी देर खत्म होए? 1 साल। 1 साल रिन्यू नहीं कराया? नहीं करवाया। तीनों ने बोला नहीं कोई शिकायत आपने क्यों नहीं कराया? बोला, लेकिन मैंने साथ में एक पेपर बना के रीजन लिख के दे दिया कि कोरोना था, काम नहीं था। अच्छा, तो मतलब पैसे नहीं थे, इधर दूसरे शहर में रहता था। पिछले साल आसिफ भाई 2 साल मेरे ऊपर हो गए थे। अच्छा, 2 साल ऊपर हो गए थे जब मैं पिछली दफा आखिरी दफा आया था, जब मोटे का घर था नीचे। सही है, सही है। फिर भी कर दी इन्होंने। चलो चंगी गल है फिर। दोस्तों छोटी जी थोड़े ने एक मालूमात शेयर की है बेल्जियम के बारे च, मछली अजे तक कोई नहीं आई। तो मेरे ख्याल में अब चले जाना चाहिए, 2-3 घंटे हो गए मछली कोई नहीं आई। तो कल इंशाल्लाह देखेंगे, आज तो कोई मछली नहीं आई। अभी भी शाह जी फेंक रहे हैं कुंडी। तो सही है दोस्तों, आज की वीडियो साड़ी इत्थों तक रही, अगली वीडियो तक दवे ज़्यादा। अल्लाह हाफिज़।